तीन भाई हैं। हाँ, हमारी 60 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो ये जमीन भूमि अधिग्रहण में जा रही है? जी जी, पूरी जमीन भूमि अधिग्रहण में जा रही है। इसकी सूचना हम लोग को पहले से कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी शिवराज सिंह खुरई में आए, जो भूमि पूजन हुआ, हाँ, जब हम लोग को पता चला कि ये जमीन, तो अभी आपने कुछ पता किया क्या पंचायत में या अपने अधिकारी में, तहसील ब्लॉक में कहीं पे, कि कुछ क्या कितना रेट मिलेगा, क्या मिलेगा? जी, इसकी कोई जानकारी नहीं। कोई नोटिस वगैरह अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, किसी भी कोई पंचायत हो, किसी को कोई नोटिस नहीं मिला। तो आप जमीन देना चाहते हैं अपनी? नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं देना चाहते, क्योंकि हम सब बेघर हो जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। जमीन हमारी आपकी नहीं, किसी के आपकी। किसान मजदूर एकता। इस बीना परियोजना में जो मर्जा डैम है, जो मर्जा डैम जो है, जमीन जितनी भी है, जितने भी गाँव इसमें क्षेत्र में आ रहे हैं, सारे के सारे गांव की भूमि जो है वो सिंचित है। दो फसली है, कहीं कहीं लोग तीन फसलों का मूंग की फसल भी देते हैं। और हम चाहते हैं कि ये बीना जो बांध है, मड़िया बांध, किसी भी तरह से ना बने, इसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे। और जो है यहाँ पर जो जमीन जो है सिंचित है, और कम से कम 4 किलोमीटर का इलाका रिजर्व फॉरेस्ट में है, जिस जो कि पर्यावरण के क्षेत्र से बहुत ही हानिकारक है। लाखों पेड़ सागवान के, महुआ के, आम के खड़े हैं। आज शासन बड़ी बड़ी नर्सरियों के द्वारा परियोजना लेकर 10 पेड़ों को जिंदा नहीं कर सकती। अगर लाखों पेड़ों को जो काट के बर्बाद करेंगे, तो पर्यावरण पर इसका कितना असर पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में दो फसली जो हम लोग अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, अपने गाँव में मिलजुल कर रह रहे हैं, हम लोग जब विस्थापन होंगे तो कहाँ जाएंगे? शासन ने अभी तक ना तो किसी प्रकार की विस्थापन की कोई प्रक्रिया बताई है, ना ही विस्थापन की कोई योजना है। शासन तो सिर्फ दबाव डालकर इतना साइज से जो है हमारी जमीन छुड़ाना चाहती है बस। आपकी जमीनों का अधिग्रहण सरकार डायरेक्ट सरकार जो है ना अपने लेवल पर नहीं करेगी, ये अधिग्रहण जो है ना ठेकेदार के लेवल पर होगा। जो बांध परियोजना का जो मुख्य जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण होगा वो सरकार के द्वारा नहीं होगा, वो ठेकेदार के द्वारा होगा। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि जब तक आपकी सारी मांगे सुचारू रूप से या सुनिश्चित तरीके से नहीं मानी जाती, तब तक आप अपनी जमीन का अधिग्रहण का स्वीकृति पत्र उनको ना दें। अगर धंधे या रोजगार नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा क्षेत्र भी, हमारा रेवंज भी रुकी कंडीशन में है। ये आज नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? हरसूद की तरह करेंगे जी, जैसे हरसूद के अंदर करा धंधे कि चलो खाली करो, नहीं तो हम ये अपने चार तरफ पानी छोड़ दिया, खाली करो, आप मजबूर हो गए आप। तो ये कंडीशन सारे इस इलाके की भी है। जाहिर बात है कि हमें सबको इकट्ठे होकर यूनियन बना के एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि शासन के लाने इस काम के लिए अपन रोकने की कोशिश कर सकें। बताइए आप, इस डैम से क्या गरीबों का है? वो तो आप बताइए, शासन करेंगे जहाँ बात तक होती, हमारा कोई मान नहीं, हमारे गरीबों का कोई मान नहीं। ना तो मजदूर यहाँ से जाना चाहता है, ना किसान जाना चाहता है, और किसी भी परिस्थिति में हम लोग यह है गांव खाली नहीं करना चाहते हैं। यह है हम सब लोगों का मत है। क्यों भाई, सब लोगों का मत है। हमारे गांव के गांव अगर मर जाए, खाली हो जाए, हमारे गाँव, इसलिए हम उसमें सहमत बिल्कुल नंदा परियोजना का तो बांध कर। सागर जिले के जो 21 गाँव जो डूब में जा रहे हैं बीना परियोजना के, क्या आप लोगों को भूमि अर्जन का कोई भी नोटिस आपको प्राप्त हुआ है? हाथ खड़ा करके बताइए अगर नहीं हुआ तो। एक को भी नोटिस अभी तक नहीं मिला है? नहीं।